नमस्कार। आज आम दाना पानी संपर्क आउ किछि आलोचना करिबा एवं दाना पानी गोपीनाथ महंतिंकर बहुचर्चित उपन्यास। जदियो गोपी बाबू विशेष भावरे आदिवासी संप्रदायर जीवन शैली उपरे रचित उपन्यास पई अधिक प्रसिद्धि लाभ करिछंती, किंतु ताहा द्वारा तांकु संकीर्ण सीमाबद्ध हिसाब रे विचार करा जीवा उचित नुहे। जीवन और व्यापक बृहत्तर क्षेत्र गुड़िक मध्य से अधिगमी छंती, ता भीतर को जाई छंती एवं ता भीतरे जो दुर्मूल्य मणि मुक्ता साउंटी छंती ताकु काव्यर भाषा रे उपन्यास शैली रे आम आगे उपस्थापन करिछंती। तेणु दाना पानी परिवेश मुख्यतः जदि देखा जिवो ये होची नगर कैंद्रिक बा सहरी जीवनर परिवेश और पृष्ठभूमि उपरे समुदाय कहानी परिवेशित माने पर्यवसित बा परिवेशित तार मुख्य चरित्र संपर्क रे गतकाली आमे किछि किछि आलोचना करितले, किंतु जेते जहा हेले मध्य उपन्यासर प्रत्येक पृष्ठा प्रत्येक परिच्छेद प्रत्येक धाड़ी पढ़िले जो आनंद जो दृष्टि जो सत्यर उपलब्धि हेई पारिबो ताकु एमिति साधारण भावरे मु जदि 10टा कि 15-20टा क्लास रे भी सारिबार प्रयास करबी मते लागे जे तथापि जेमिति किछि रही जीव जो कथा मु इच्छा करी कि भी कही पारी नहीं। कारण जेते थर पढ़िले गोटे नुआ उपलब्धि गोटे नुआ दृष्टिकोण गोटे नुआ विचार मन को चली आसे। मु जेते बेले मु तार डिटेल्स भीतर को जीवि सेते बेले से बाबदरे कहबी जे देख एमिति गोटे गोटे परिच्छेद रे एमिति गोटे गोटे वाक्य अछि जो वाक्य भीतर चिरंतन सत्य बा कालोतीर्ण सत्य को से केमिति भावरे उपस्थापन करिछंती। तेणु आज आम से दाना पानी प्रथम प्रकाश जो 1955 मसीहारे होइछि भारत स्वाधीन हेबार मात्र 8-10 वर्ष भीतर कहानी एवं प्रथम जितेबाला प्रकाशित होता तार पृष्ठा संख्या थिला 358 किंतु जेतेबेले नूतन संस्करण विद्यापुरी प्रकाशन तरफरु हेला सेतेबेले तार पृष्ठा संख्या 262 करा हेछि। 262 कहिबार अर्थ होछि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी माने सेतेबेले पाइका प्रिंटिंग रे हेथिबो बड़ बड़ अक्षर आउ बंधेई साइज अनुसारे सेतेबेले जो साइज थिला वर्तमान होछि स्टैंडर्ड बुक साइज रे तार पृष्ठा संख्या 262। किंतु एठु आमे कदापि अनुमान करिबा नाही जे हुए तो किछि अंश कटि जाइछि बा काटि दिया हैछि सेमिति कोनोसी अवकाश नाही। जहा 55 रे थिला ताहा जो 2004-06 एवं 16 रे मध्य तांकर जो रिप्रिंट हैछि सेही समान जिनस ही अछि। कारण एही सृष्टिर गोटाए धाड़ी गोटाए पद काटि देले पूरा उपन्यासर जेमिति स्वरूप बदली जीव तेणु काटिबार संभावना सेमिति नाही। जे आमे आसीबा प्रसंग पाकु दाना पानी पाकु आलोचक माने कहंती जे दाना पानी होची गोपी बाबूंकर माने गोपीनाथ महंतिंकर वर्धिष्णु सीरिया सीसीआर रो गोटिए आत्मकाहाणी बोली माने वर्धिष्णु सीसीआर कहले तांकर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बा कैरेक्टर रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव कैरेक्टर रिपोर्ट बोली जाकु कुआ जाए बा कॉन्फिडेंशियल कैरेक्टर रिपोर्ट बोली जो कुआ जाए ये गोटे अत्यंत माने गोटे सीरियसनेस आड़कु आम प्रथम पर्यायर उपन्यास गुड़ी करे जो आदिवासी बा समाज रो समस्या भित्तिक कहानी अवतारणा देखिथिबा एठी किंतु जहाँ अछि ताहा होची
ଗୋଟେ ସହର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଭରଶୀଳ। କାରଣ ଏଠି ଆଉ ସମାଜ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସହିତ ଏତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବେ, ସେମିତି ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାର କାହାଣୀ ୟା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆପାତତ ପରଜାରେ କିମ୍ବା ଅମୃତ ସନ୍ତାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଛକାପଞ୍ଜା ଦୁନିଆରେ ଦାନା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ପଟ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷରେ ଅଦୂରରେ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାପା ଅଜା ଅମଳର ସାଇତା ବୁନିଆଦି ସଭ୍ୟ ମାନବର ଆଦର୍ଶ ଓ ମାନବିକତା, ବାହା ବେଦୀର ହାତଗଣ୍ଠି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଓ ଦି ହାତର ବଜର ସଂଖ୍ୟା, ତାରି ଇତିବୃତ୍ତ ହେଉଛି ଏଇ ସମୁଦାୟ ଦାନା ପାଣି ଉପନ୍ୟାସ। ଉପନ୍ୟାସର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ବଳିଦତ୍ତ ଦାସ, ସେ ଯେମିତି ତା ଜୀବନର ମାନେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତର ପୂର୍ବ ରାଗ ପୂର୍ବଭାସ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଚାଲିଛି, ତାର ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଯେମିତି ଗାନ କରିଚାଲିଛି। ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାନେ ଖରାଦିନ ଦ୍ୱିପହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ଏବଂ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବଳିଦତ୍ତ ଦାସକୁ, ଗୋଟିଏ ଭାରୁଆର ପଛେ ପଛେ ଘୁଷୁରିଆ ପଲ୍ଲୀର ଅଣ ଅସାରିଆ ବାଟ କାଟି ଯେଉଁ ଦାନା ପାଣିର ଚାକର ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଘୁଷୁରୀ ଘୁଅ ବା ଘୁଷୁରୀ ମଳ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାରୁଆ ଗୋଟେ ଧରିଛି ଘୁଷୁରୀ ମଳ ଘୁଷୁରୀ ଘୁଅ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା, ସାହେବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲାପ ଗଛର ମୂଳରେ ଦେଲେ ସେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଧିକ ବଡ଼ ସୁରଭିତ ଓ ସତେଜ ହେବ। ତ ଯିଏ ବଳିଦତ୍ତ ଦାସ ଯିଏ ନାୟକ, ସେ ମାଳି ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ୍ଲର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଛି, ସେ ଚାହିଁଛି ଯେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାର ସିଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ସେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ମୁଁ ସାଧାରଣ କାହାଣୀର ବିକାଶ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି କେବଳ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯିଏ ସେଇ ବଳିଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଘୁଷୁରୀ ଗୋ ସାଉଁଟିଛି, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାକୁ ଖରାଦିନେ ଗୋଟେ ଭାରୁଆ ଏବଂ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁଠି ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଠି ଯିଏ ଘୁଷୁରୀର ମଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଗୋଟିଏ ଦାମିକା କାର୍ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଆମେ କହିବା ଯେ ନିହାତି ତଳ ସ୍ତରରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ତାର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛପରିଲି ଘର ବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଛି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ଯେମିତି କାର୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଛି, ଏଠି ବାହାରିଛି ସେ ବଡ଼ ମାନେ ବିରାଟ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭିତରୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତା ଜୀବନର ଅଛିଣ୍ଡା କାହାଣୀ ଦାନା ପାଣିର ତଉଲରେ ସାଫଲ୍ୟ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ହେଇପଡ଼ିଛି ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯାହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଣେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିଲେ ହେବ, ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ।
माने आमे एगुड़ाक साधारण भाव में कहीपर जमी आमर संस्कृत कथा अच्छी जे मनीष बंचवा पचर साधारणत तीनोटी प्रेरणा ताकु प्रेरित करे से भितर गोटे आसे बीते सोना गोटे आसे लोके सोना आ गोटे हूँ पुत्रे सोना माने ए तीनटा जिनस साधारण मनीष खोजे एवं बलिदत्त ए तीनटा जिनस को खोजी एवं ए तीनटा जिनसरु से पुणी प्राथमिकता देछि प्राथमिकता कहा को देछि ना क्षमता को एवं अर्थ को एवं क्षमता और अर्थ को देबार देबा पा को जाई से जीवन रे नीति मूल्यबोध आदर्श व्यक्तिगत सुख ए सबु को बळी देछि केमिति तार विस्तृत वर्णना भितरे अछि तेणु आमे जदि तार मूल समस्या गुड़िक संपर्क आलोचना करिबा जेमिति तांकर अन्य उपन्यास गुड़िक मध्य अछि जेमिति आमे कहि परिबा परजा ओ अमृतर संतान उपन्यास रे आदिम अरण्यर मणिष जदि कुहा जीव जिए बेकरे मणिष मुंडर कु माने मणिषर खपुरी कु माला करी नाए माने पिंधे एवं ता भितरे मध्य पाशविक जौन क्षुधा अच्छी तथापि से भल पाए एवं से भल पाए केते सहज सरल शुद्ध आमे एठी निज को उत्सर्ग करि दउची जहाँ को भल पाउची से हिसाब रे आमे देखुचे देखिबा कारण आमे भल पाइबार दार्शनिक दिग एठी आलोचना करिबा उचित नुहे एवं सही दाना सही जो अमृतर संतान बा परजा उपन्यास रे जदि से शत्रु काकु थरे ग्रहण करिनेला ताले से शत्रु को निजर जीवन सर्वस्व दे से शत्रुता को से पालन करे शेष पर्यंत से ताकु पालन करिवो किंतु आमे जो एई चरित्र माने बलिदत्त दास को आविष्कार करूचे से किंतु सेमिति नुहे माने से होची को भेराइटी रो अनेक आलोचक ताकु कहउचंती जे ये होची जे डेविड कॉपरफील्ड कैरेक्टर भलिया डेविड कॉपरफील्ड होची विख्यात इंग्रजी उपन्यास माने जो तार लेखक होचंती टोमास हार्डी कर डेविड कॉपरफील्ड गुटे कैरेक्टर अछि एवं से कैरेक्टर रो लक्षण आदर्श जहाँ बलिदत्त पाखरे सही जिनिस गोटाए रकम रो पूरी रही तेणु आमे जेतेबेले देखु सेतेबेले ताकु केमिति हिसाब रे आविष्कार करू माने करिबा ना जीवनर साफल्यवाद आगरे निजर विवेक आदर्श मूल्यबोध नीति नैतिकता किछि नै केवल एकमात्र जिनिस होची सफलता प्रमोशन उच्चतर माने उच्चतम पद रे निज को अभिषिक्त करिबा एटा ही केवल से चाहिछि तेणु क्यों अख्यात गली धूड़ीर अख्यात मनीष से बड़िया क्षुद्र देह यथासाध्य सजेले भी से बढ़े नहीं अल्प विद्या आउ सुजोग नहीं नाम पछरे विद्यार विज्ञापन जखिबाकू जेमिति ना परे से पूर्वरु लेखुथिले बीए एमए पीएचडी एमफिल आउ कौन माने पद्मश्री पद्मभूषण एमती जो सबू जिनस गुड़िक जोड़ी हो जाए जदि कहिबा जदि सरकार विभिन्न रकम व्यवस्था क्रमरु तुम
अवदान जदि ये देश जाति पाई थाए नागरिक पुरस्कार हिसाब से गुड़िक दि जाए कि साधारण जड़े अध्ययन करी आमर जो गोटाए समय बीए पढ़ले खूब बड़ मान बहुत पढ़ला कहुला सेमती एम ए एम फिल सेमती पीएचडी डक्टरेट डिग्री डीएससी डीएल डिलीट ए सब जिनस गुड़िक अच्छी तो बलिदत्त पाखे से सुजोग नहीं माने निजर विद्यार से बड़ हो पार किंतु बड़ हेबार इच्छा टीए ता पाखरे प्रबल जे जेकोसी रूप माने उपाय रे हेले मध्य से माने बड़ हेब दूर देशर अजणा क्यों साही सेठी करज लदालदी अध छपरी चाल घर पिंडारे खख काशी बापुआ बापटी तार वृद्ध ये हूँ तार अतीत माने तार जदि कहा असल आधार जोठी बलिदत्त जन्म नहीं तेणु निहाती निम्न मध्यवित परिवार जदि कहा दरिद्र माने दारिद्र्यर परिवेष्टनी भितरे तार शैशव कटिची एवं जोठी तार बुढ़ा बापा टीए जहाँ को बात रोग एवं से बार्धक्य जनित जंत्रणा रे हुए तो खुं खुं काशी किंतु से सबु को अतिक्रम करिकी से सहर को आसी माने तांकु छाड़ी देई आमे मन पकई पारिबा जेमिति डाकमुंशी गल्परे फकीरमोहन सेनापतिंकर हरि सिंह को गोपाल जेमिति इंग्लीश घुसी मारिकी माने बाहर को तड़ी देसी से तार गाँ को पलि एठी गोपी बाबू सेमिति वर्णना करना जे से बापा प्रति कौ रकम आचरण करिछि किंतु से परिवेश परिस्थिति परिचय संबंध ए सबु को अतिक्रम करी से धनी घरे बाहा हेछि एवं बाहा हेला परे से सहर रे रहिबा प्रयास करिछि एवं अतीत जीवन सहित तार कोनोसी आ संपर्क रखी नाही एवं जहाकु से बाहा हेछि जो सरोजिनी से माने तार वर्णन रे कुहाई विवाहिता स्त्री सरोजिनी मथा को जहार संतक पति परम गुरु गोटे ब्रूज लेखाई जे सिंदूर पिंधे से सबु करे माने साधारण भारतीय नारी रूप जेमिति बा साज सरंजाम जो पारंपरिक भारतीय नारी जेमिति ता पाखरे से सबु थिला एवं से चाहिथिला भी प्रथम पर्याय रे स्वामी को सुखरे रखिबा को धंदी होई भौणी परि स्नेहरे तार सुख दुख से बुझुथिला बा बुझिबा को से चाहुथिला किंतु जेते बेले से तार सुसुप्त निदरे सोइथिबा स्वामी आड़ को चाहे ता मनरे माने न थाए जिक जिक पीतलर पति परम गुरु बुरुचर छाई गोलमाड़िया आउटा मनरु कटकट आखि बाटे झरी पड़े विषाक्त हिंसुक दृष्टि माने सरोजिनीर कैरेक्टर भितरे गोटिए एमिति चरित्र को गोपी बाबू उपस्थापन करिसंती जहा को गोटाए शब्द रे कहिले हबो से स्वामी हिसाब से ग्रहण करी किंतु तार देह मन प्राण आत्मा जेते बेले देहर क्षुधा अत्यंत तीव्र हो जाए सेते बेले स्वामी हिसाब से चरित्रटी माने बलिदत्तर अस्तित्व संपूर्ण भावरे जेमिति अस्वीकृत हो जाए तेणु उपन्यासर प्रथम पर्यायर ही आम देखा से जो घरे रहुची माने क्वार्टर्स रे तार पड़ीसा घरे गोटे कॉलेज पढ़ुवा पिला से तार शरीर चर्चा करुची माने बॉडी बिल्डिंग करुची एवं ये झरका बाटे ताकू लोभातुरा नयन रे
ଅନେଇ ରହେ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସରୋଜିନୀର ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଅପରିଚିତ ଅନ୍ୟ ସମର୍ଥ ଦେହର କ୍ଷୁଧାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର। ସେ କଦାପି ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବଳିଦତ୍ତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସେମିତି ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେହର କ୍ଷୁଧା ଆସିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏଇ ବିଚାରଟିକୁ ଗାଳ୍ପିକ ବା ଔପନ୍ୟାସିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରୋଜିନୀର ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ତାର ଆହୁରି କେତେ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି, କେତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ନାରୀ ବା ଗୋପୀବାବୁଙ୍କର ନାରୀ ହିସାବରେ ସରୋଜିନୀ ଚରିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂସାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଅ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଂସାରରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ନବାଗତ ଅତିଥି ସନ୍ତାନ ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାହା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସହରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛି ତାର ଏକମାତ୍ର କାମନା ବାସନା ହେଉଛି ମାନେ ସ୍ୱାମୀର, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ବାଟ ଦେଇକି ଉପନ୍ୟାସିକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବଳିଦତ୍ତ ଦାସ। ସେ ଚାହେଁ କ'ଣ ନା କେବଳ ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହେଁ, ଧନ ଚାହେଁ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଚାହେଁ, ଚଳନ୍ତି ଗତିରେ ଉପରିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧସ୍ତନମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଚାହେଁ ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେମିତି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ହେବ, ସିଇଓ ହେବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ସେଇ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯିବ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ତାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଇ ହେବ ତାର ଜୀବନ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର କେବଳ କଳ୍ପନା। ତେଣୁ ଆପଣା ଶସାରେ ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭାଲୁ ଯେମିତି ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ 20-30 ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଣ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଙ୍କଟରାଓ, ସଣ୍ଟୁଦା, ବନୁ ମହାପାତ୍ରେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର। ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀବାବୁଙ୍କର କଲମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ଯେମିତି ଉଭା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ। ସହକର୍ମୀ ଏଙ୍କଟରାଓ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ହେଉଛି ଏମିତି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଡେଙ୍ଗା ପାତଳା, ଖେଳୁଆ ଚେହେରାର ମଣିଷ। ତାର ଗାର୍ହସ୍ଥ ଜୀବନର କଥା ପଦାରେ ସେ ଗପି ବସେ ନାହିଁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚୁପଚାପ, ନିଜର ଅଭାବ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ତିଆରି କରି ସେ ସାହି ସାହି ବୁଲି ବାଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ହେବ ସେ ଗୋଟାଏ ରକମର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମଣିଷ, ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ, ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ। ସେ ତାର ସୀମାବଦ୍ଧ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ତାର ଦୁଃଖ ତାର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଚାପିକି ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାକି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସଣ୍ଟୁଦା, ସଣ୍ଟୁଦା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିକାରୀ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଜ୍ଞାନୀ, ବାଗ୍ମୀ ଓ ଦାର୍ଶନିକ, ମାନେ ସଣ୍ଟୁଦା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତା ବାହାରେ ବି ସେ ହେଉଛି ଜମିଦାର ବଂଶର ପିଲା,
सॉरी ये होची बनु बनु कैरेक्टर होची जमीदार वंशर पिला टिके रागी ओकाले सकाले छाती पकेई छाती पतेई ठिया हेबाकु से आगो तार स्त्री सेफाळी बनुर जन्ही फूल एई सबु बलिदत्तर सांग तार सहकर्मी कंपानी चाकरीर कोलाहल मुखरित जंत्र जीवनर बेसुरा रागिणी ता मनरे सृष्टि करे हा हताशार विकल छंद प्रौढ़ महापात्रे तांकर उपरिस्थ कर्मचारी महापात्रे गर्वी उद्धत चेस तास पसा कबिराजी होमियोपाथी ज्योतिष श्रकांत चाकरी कथा कुहा टैक्ट माने चातुर्य माने कौशल सबुथिरे धुरंधर होची महापात्र से एक्जिबिनिस्ट माने प्रदर्शन प्रवणता ओ सेडिस्ट मध्य सेडिस्ट अर्थ होची जे जिए अन्यर दुख देखिले जहाकु आनंद लागे माने भितरे ताकु खुशी लागे जे जा हो मु से भितरे माने मु दुख पाऊ नहीं तनु मु खुशी तार खुशीटा अन्यर पराजय अन्यर विफलता अन्यर अभाव ए सबु जिंस देखिले से तृप्त हुए माने ये भी गोटे विकृति किंतु मनीषर स्वभाव भितरे ता पूरी रही छि जाकु मनोविज्ञान भाषा रे कहा होची सैडिस्ट तेणु बल बलिदत्तर चाकरी रे प्रथम पर्याय रे कौ हिसाब रे से जो घुसुरी गुह जो संग्रह करूची घटनाक्रम रे घोड़ा रु तार जे मुख्य अधिकारी साहेब पड़ी जाई छंती एवं पड़ी गला परे से जो रकम रो बिहेव करीची बलिदत्त जाकि साइकिल रे जणकर माने तीव्र बेगर जाकि से जो पशु डाक्टर को डाकी आनी तार ट्रीटमेंट करी माने एपटे घुसुरी गुह कलेक्शन करी मालिकाणी को बा तार माने जो साहेबंकर स्त्री को संतुष्ट करी सेपटे साहेबंकर सेवा शुश्रूषा करार सबु रकम टेक्निक से लगे कि से जो प्रमोशन पाई से प्रमोशन पाइला परे ए जागा परित्याग करी से आसी तार नुआ जागा को नुआ कर्मक्षेत्र एवं गला बेले सेठी से जगार से पांच वर्ष थिला माने जो संटुदा महापात्र एई मानंकर माने ए मानंकर सहित तार जो जीवन कटी थिला साधारण भाव में पाखु विदाय ने बेले सरोजिनी एवं बलिदत्त मनरे किसी कष्ट गला बेले स्त्री सरोजिनी मनरे पांच वर्षर एक स्मृति गभीर आघात लेखकंकर भाषा रे पढ़ी सारिला परे उपन्यास परी आउ लेउटिबो नहीं तांकु ता आखिरु उपन्यासर चरित्र गुड़िक परी भूली हे जिवे से माने तांको संपर्क रे विशिष्ट घटना सबु माने से माने आ कोनोसी गुरुत्वपूर्ण बहन करंती रे जेतु उपन्यास सरी नहीं माने अधा अछि आगरे बहुत किछि अछि तेनु जहां अतिक्रांत होइ गला तार कोनोसी आउ भूमिका नहीं तेनु से मानंकु गोटा रकम रो जदि कुहा जिवो जे रात गई जो बात गई बा खालो भात फेंक दो पात जदि तमे पत्र रे भात खाई सारले तापरे खोली भलिया तार कौन से भूमिका नहीं तांकु छाड़ी दियो ये प्रायतः ये दी जन चरित्र सरोजिनी एवं जो अछंती बलिदत्त सेमिति व्यवहार करिछंती तेणु से गोटे छोट शहर रु बड़ शहर को प्रमोशन पाइला से आसिला तेणु नुआ स्थान रे आरंभ चाकरी तार एठी जे परिचित होइछंती नुआ जगारे तार उपरिस्थ साहेब मिस्टर स एवं मिस्टर स होछंती को ना गोटे डिक्टेटर भलिया एक छत्रवादी एवं तांकर स्त्री होछंती मिस्टर शंकर स्त्री होची सुलेखा तबे डिक्टेटर होई तथापि से खजंती आत्मविश्वास माने आत्मविश्वास कम मिस्टर शंकर पाखरे तांकर ए जो
मिस्टर सर क्यारेक्टर हूँ कौ रकम ना जमी जगत को भ्रुकुटी देख तर्जनी मी से निज जीवन उपरे प्रतिशोध नेबाकु से चाहे माने ता भीतर अधिकार प्रवणता मिस्टर स पाखरे होची ठीक सेमिति ए सृष्टि को ए जगत को जेमिति निजर अधीनस्थ निजर वशीभूत करिकि रखिबो तेणु जेते बेले बलिदत्त एमिति अधिकारी पाखरे जाइकि काम करूची माने सर तल पदरे सेते बेले ता भीतरे कौ रकम मानसिकता सृष्टि जेतु प्रमोशन रो स्टेज रे से संतुष्ट हेबो किंतु जो स्टेज रे वर्तमान प्रमोशन हेकी अच्छी से स्टेज रे मध्य से संतुष्ट नुहे मन भितरे तार आसे सबु बेले से गुटे कथा जे जीवन जाक तार व्यक्तित्व को लोके फुलुकम करी नुचेई छंती सबु मौज तारी उपरे तारी खर्चरे कारण से खर्ब से दुर्बल सेगुड़ा मने पड़िले देह जली जाए आतंक आसे आज प्रतिक्रिया बुझेबा को बेल मिली दर्शन शास्त्र बलिदत्तर दुर्बलता नुहे तार शास्त्र साफल्यवादी जंतुर शास्त्र निजकु से पानी छड़ेई देची सुजोग और सुविधार चलंती ढेउरे से चाहे ढेउ आगरे चढ़ीबाकु ढेउ को भेटी बाली रे माड़ खाई गड़ीबाकु पिला दिनरु तार होची घृणा तेणु से चाहे अधिकरु अधिक सफलता अधिकरु अधिक प्रभाव क्षमता तेणु से नुआ जगारे जो कैरेक्टर सांगरे जहाँ से मोहरा करिवो से होचंती हाथ बारसी बोली कुहा जाए से होचंती हरिबाबू हरिबाबू को भेराइटी रो कैरेक्टर ना निरीहपण भेकर आढ़ुआलरे कंपानीर प्रभाव को बिकी भांगी नाना प्रकार लाभ उठेबार बेउसारे बाकी जो चरित्र भी अछंती से भितरे अछंती धुरंधर धनेश्वर बाबू आशावादी देवेंद्र बाबू भाग्यवादी चंद्रकांत बाबू विश्वविद्यालय कृति छात्र दंठा और दायित्वपूर्ण ऑफिसर दिवाकर बाबू और प्रचंड तार्किक गतिश्वर बाबू होउछंती ए नुआ जागारे तार कर्म माने सहकर्मी बलिदत्त अन्य मानंकु बारंबार तौली देखे से तुलना करे जे एई मानंक भितरे से श्रेष्ठ अन्य मानंक ठारु को गुण रे शरीर रे तो हेई परबो नै बाकी रहिला दरमारे पैसा पत्र रे एवं क्षमता रे सुविधा सुजोग रे बाकी अन्य जिनस गुडी को ता पाखरे आउ नाही जेमिति बेसी पाठ विद्या ए सब जिनस ता पाखरे नाही तेणु अन्य मानंक सहित तुलना करे एवं अन्य मानंक सहित तुलना करबा मध्य तमे माने जानिबा जरूरी जे ये भी गुटे मानसिक रोग एवं जीवन और दुखर कारण होची जे पर्यंत तमे अन्य मानंक सहित निजकु तुलना करबो ये गुटे अति कोन कहबा विकृति मानसिक विकृति किंतु से तुलना करिछि एवं तापर से चाहिछि जे जिए ताठु अधिक जे कोनोसी प्रकारे तांकु से अतिक्रम करिजिवो तेणु प्रतिदिन सोइला पूर्वरु से तार साफल्य शास्त्र आदिम नीति अनुसारे निजर आत्मसमीक्षा करे भावे से तार अग्रगति पाई आजि कोन करिछि सेई स्थान रे तार साक्षात हुए रणजीत बाबू सह ओ रणजीत बाबू को सह तार सानिध्य बढ़ी उठे एवं यही रणजीत बाबू को पुनी से मोहरा करी आगो को जीवा पई केमिति चाहिची आसंता काली क्लास रे नेक्स्ट क्लास रे हमें आलोचना करिबा धन्यवाद।